हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी लेडी की जिन्होंने अपने सपनों को रियलिटी में बदल दिया एट द एज ऑफ 50। ये कहानी है फाल्गुनी नायर की, जो है नायका की फाउंडर। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। फाल्गुनी नायर का जन्म मुंबई में हुआ था फरवरी 1963 को एक गुजराती फैमिली में, और जैसे के कहते हैं बिजनेस तो गुजरातियों के खून में होता है। फाल्गुनी भी बचपन से अपने पापा को उनके बैरिंग बिजनेस में काम करते हुए देखती थी, और वहीं से उनका बिजनेस और मार्केट का शौक शुरू हुआ। पढ़ाई के लिए उन्होंने स्टेडियम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इकोनॉमिक्स से कॉमर्स की डिग्री ली और फिर MBA किया IIM अहमदाबाद से। यहीं उनकी मुलाकात संजय नायर से हुई, जो आज KKR इंडिया के CEO है। दोनों ने 1987 में शादी की और उनके दो बच्चे है अद्विता और अंचित। आज अद्विता नायका फैशन की CEO है और अंचित रिटेल और ई-कॉमर्स हैंडल करते हैं। अब आते हैं फाल्गुनी नायर के सपने पे, जो उन्होंने 50 के बाद पूरा किया। 18 साल तक कोटक महिंद्रा बैंक में मैनेजिंग डायरेक्टर के रोल में रहने के बाद उन्होंने 2012 में अपनी कंपनी शुरू करने का फैसला किया नायका। शुरुआत में बस 3 लोग थे और एक छोटा सा ऑफिस जो उनके पापा ने दिया था। सफर मुश्किल था पर सपने बड़े। पहले साल में 100 ऑर्डर आए थे, लेकिन 2015 तक नायका ने अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मार्केट में ला दिए, और बस तब से लेके आज तक नायका का ग्रोथ देखने लायक है। आज नायका के पास 5 मिलियन एक्टिव यूजर है, 1,30,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि 2020 में नायका बन गया इंडिया का वुमेन लीड यूनिकॉर्न। फाल्गुनी नायर ने सबको ये दिखा दिया कि एज सिर्फ एक नंबर है, और अगर पैशन हो तो कुछ भी पॉसिबल है। फाल्गुनी नायर को काफी अवार्ड मिले हैं, जैसे फॉर्च्यून इंडिया की मोस्ट पावरफुल वुमेन, इकोनॉमिक टाइम की मोस्ट पावरफुल वुमेन, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। नायका आज एक सक्सेसफुल ब्रांड है, जो सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एक मूवमेंट बन गया है इंडिया में ब्यूटी और सेल्फ केयर को प्रमोट करने के लिए। और ये सब फाल्गुनी नायर के डिटर्मिनेशन और रिस्क टेकिंग की वजह से पॉसिबल हुआ है। तो दोस्तों, फाल्गुनी नायर की कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी भी गिव अप मत करो, अपने सपने फॉलो करते रहो और एक दिन वो जरूर सच होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में।